ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास सेवेंथ की बात हो रही है, चैप्टर नंबर फोर चल रहा है हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे थे, पेज नंबर 33। तो इसमें हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा, प्रोटोकॉल ऑन द वेब, कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। तो हमने पहला प्रोटोकॉल पढ़ा इसमें HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद पढ़ा FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर पढ़ा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके बारे में पढ़ा। तो हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द वेब, वेब के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनेट जो चलता है हमारा वो किस किस चीज़ से मिलकर चलता है, कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ द वेब, वेब के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो देखिए। सबसे पहले दिया वेब क्लाइंट, तो वेब क्लाइंट वो होते हैं जो इंटरनेट का यूज करते हैं, जैसे कि हम सब क्या है, इंटरनेट के क्लाइंट्स हैं, यानी कि हम उसके यूजर्स हैं। जो यूजर्स होते हैं उनको वेब क्लाइंट बोलते हैं, इनके जो वेबसाइट्स का, वेब ब्राउजर्स का, इंटरनेट का यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं वेब क्लाइंट। इसने दिया भी है दिस कैन बी ए लैपटॉप, वो लैपटॉप हो सकता है, और ए पर्सनल कंप्यूटर इन योर होम, एट योर ऑफिस, आपके घर में, आपके ऑफिस में, कहीं पर भी वो आपका लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, PC वो हो सकता है, वो सब क्या है, वेब क्लाइंट है। उसमें हम और आप आते हैं जो इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं, तो उसमें लिखेंगे हम यूजर्स, लैपटॉप, PC, ठीक है, यूजर्स, लैपटॉप, PC। नेक्स्ट क्या दिया है इसने, नेक्स्ट दिया है भी नेक्स्ट है वेब सर्वर। इसको देखिए वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर, द टर्म वेब सर्वर रेफर टू द आइदर द हार्डवेयर और द सॉफ्टवेयर द हैट एप टू डिलीवर वेब कंटेंट दैट कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। तो वेब सर्वर ऐसे होते हैं जो हार्डवेयर कोमा सॉफ्टवेयर इनके थ्रू, चाहे हार्डवेयर है चाहे सॉफ्टवेयर है, इनके थ्रू इंटरनेट से कंप्यूटर को एक्सेस कराते हैं, मोबाइल को एक्सेस कराते हैं, एक्सेस मतलब जोड़ देते हैं। तो जैसे कि हार्डवेयर की बात की है, इसमें हार्डवेयर में कौन होगा, मॉडेम होगा, केबल होगी आपकी, वायरलेस मॉडेम होगा, ये सब क्या है हार्डवेयर में आते हैं। बात करिए सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में आपका वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम है ना, सर्च इंजन, ये सब क्या है सॉफ्टवेयर। तो वेब सर्वर होते हैं ये, दिस इज द होस्ट कंप्यूटर कनेक्ट इन द वेब, तो ये होस्ट कंप्यूटर से वेब को कनेक्ट कर देते हैं, दैट कंटेन डेटा फ्रॉम ए वेब पेज, जो वेब पेज पर डेटा को कंटेन करता है, दे आर द मैनी वेब सर्वर्स इंटरकनेक्टेड फ्रॉम द वेस्ट इंटरनेट। तो वेब सर्वर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। इट इज मैन जॉब इज डिलीवर द वेब पेज, इसका जो मुख्य काम होता है, मैन जॉब होती है, जो प्रॉपर वर्क होता है वेब पेज को डिलीवर करता है, डेटा डिलीवर, डेटा ट्रांसफर भी इसको ले सकते हैं आप, ठीक है, डेटा को ट्रांसफर करते हैं, दिखाया जैसे जैसे आवाज से पता चल जाएगा, डेटा को ट्रांसफर भी करता है कौन, वेब सर्वर,
नेक्स्ट आता है हमारे पास वेब ब्राउजर, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, जिसमें अपनी वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, ब्राउज करते हैं। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, हमारी हेल्प करता है वेब पेजेस को और वेबसाइट्स को ब्राउज करने में। दिस इज योर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये एक सॉफ्टवेयर है इन योर लैपटॉप या फिर आपके पीसी में, इट इज यूज टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब, जो इंफॉर्मेशन एक्सेस कराता है, यानी कि प्रोवाइड कराता है, किसके थ्रू, ये तो वेबसाइट्स के थ्रू या फिर वेब पेज के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सेस ऑफ वेब, यानी कि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है वेबसाइट्स। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या होते हैं, ये एक तरह की कंपनी है जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती है, जैसे आपका हो सकता है एयरटेल, जियो, वीआई, बीएसएनएल, ये सब क्या है हमारा आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज कर पाते हैं, जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो क्या कहा है, आईएसपी इट इज़ द कंपनी दैट ऑफर द कस्टमर एक्सेस टू द इंटरनेट, ये एक कंपनी होती है जो कस्टमर को इंटरनेट से एक्सेस कराती है। द आईएसपी कनेक्ट द कस्टमर यूजिंग द डेटा ट्रांसमिटर टेक्नोलॉजी, तो आईएसपी जो कस्टमर्स होते हैं उसको डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के थ्रू डेटा को डिलीवर कराती है, सच एज डायलअप, वो लैंडलाइन के थ्रू हो सकते हैं, डीएसएनएल केबल, मॉडेम्स, वायरलेस हो सकता है, और डेडिकेटेड हाई स्पीड इंटरकनेक्ट, और हाई स्पीड इंटरनेट आपका वाईफाई हो सकता है। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ वेब, ये वेब के कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, बात करें हमारे वेब क्लाइंट्स, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर और आईएसपी। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए हाउ टू वेब वर्क, वेब कैसे वर्क करती है, इसने हेडिंग दिया है हाउ टू वेब वर्क, वेब कैसे वर्क करती है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट इनोवेटेड पार्ट ऑफ द इंटरनेट, तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होता है और इंटरनेट का एक इनोवेटिव पार्ट है। When you browse the web, जब आप किसी भी वेबसाइट्स को खोजते हैं, सर्च करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, you view multiple pages composed of the text, तो आपको बहुत सारे पेज मिलेंगे, किस टाइप के टेक्स्ट लिखा हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकती है, कुछ साउंड हो सकती है या फिर कोई भी वीडियो हो सकती है, आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। द वेब यूज टू हाइपर लिंक, वेब में हाइपर लिंक्स का यूज होता है, दैट अलाउ टू जम्प फ्रॉम द वन पैलेस टू अनदर वेब, हाइपरलिंक के थ्रू हम एक पेज से वन पेज टू अनादर पेज। देखा होगा आपने, आप जैसे किसी भी लिंक पर, एक पेज पर आप कुछ भी चीजें सर्च करें और नीचे लिखा रहता है क्लिक हेयर, कभी कभी लिखा रहता है क्लिक हेयर, कभी कभी ऐसे हाथ से बना रहता है, फिंगर आ जाती है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक पेज से दूसरा पेज खुल जाता है या फिर उसी पेज पर हम नीचे आगे पहुंच जाते हैं, तो वो हाइपरलिंक होता है जो एक पेज से दूसरी जगह में पहुंचा देता है, एक जगह से दूसरी जगह। और आगे क्या दिया इसने, दैट इज अलाउ यू टू जंप फ्रॉम द वन पैलेस टू अनदर ऑन द वेब, द लैंग्वेज दैट अलाउ यू टू यूज द हाइपर टेक्स्ट लिंक एंड व्यू द वेब पेज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मोर कॉमनली नवाज द एचटीएमएल। तो मोस्टली जो पेजेस को बनाने का यूज किया जाता है, वेब पेजेस जो बनते हैं इंटरनेट पर, जितनी भी इंफॉर्मेशन डाली जाती है वो एचटीएमएल के थ्रू डाली जाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके थ्रू वेब पेज पर हम डालते हैं। द वेब वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल विच क्लाइंट सॉफ्टवेयर नवेज द वेब ब्राउजर रन ऑन द लोकल कंप्यूटर, द वेब जो है वर्क करता है वो क्लाइंट्स, तो मैंने अभी अभी बताया क्लाइंट्स के थ्रू, क्लाइंट्स में आपके लैपटॉप पीसी आ रहे हैं, उसके बाद आपके वेब सर्वर है जिसमें मॉडेम्स सर्विस जो देते हैं वो सारी चीज़ें हैं, फिर आपका वेब ब्राउजर्स हैं, और फिर आपके इंटरनेट आईएसपी, इतनी सारी चीज़ें, ये सारे मिलकर
एक वेब को तैयार करते हैं, वेब के थ्रू वर्क ये कराते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, एंटरिंग द URL यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर ऑफ द वेब पेज इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर ऑन योर PC। अगर हमें किसी भी वेबसाइट्स को खोजना है तो उसका URL हमें देना पड़ता है। कहाँ पर URL, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, उस वेबसाइट का URL हमें देना होगा। कहाँ पर, सर्च बॉक्स में आपको मिल जाएगा वो, तो आप सर्च बॉक्स में URL उसका दे देंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, द सर्वर ट्रांसमिट द वेब पेज, जो सर्वर होता है हमारा वो ट्रांसमिट कर देता है हमारे वेब पेज के डेटा को टू योर कंप्यूटर एंड वेब ब्राउजर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो वेब ब्राउजर हमारी स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है और डेटा ट्रांसमिटर हमारे डेटा को वेब पेज से हमें ट्रांसफर कर देता है जो चीज़ हम देखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग इज द सर्विस दैट मेक योर वेबसाइट्स अवेलेबल टू बी व्यू अदर ऑन द इंटरनेट। तो वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस है जो हमें परमिशन देती है इंटरनेट पर हम वेबसाइट्स को देख पाते हैं। वेब होस्टिंग के थ्रू ही हम इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट्स को देख पाते हैं। ए वेब होस्ट प्रोवाइड द स्पेस ऑन इट सर्वर्स, वेब होस्ट सर्वर को स्पेस प्रोवाइड कराता है सो दैट अदर कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड, जितने भी दूसरे कंप्यूटर वर्ल्ड में जुड़े हुए हैं, कैन एक्सेस जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, योर वेबसाइट्स मीन्स नेटवर्क और मॉडम, दे आर द लिटलरी थाउजेंड्स ऑफ वेब होस्टिंग सर्विस अवेलेबल टूडे। आज के समय में थाउजेंड से भी ज़्यादा वेब होस्टिंग सर्विस अवेलेबल हैं, रेंजिंग फ्रॉम द फ्री सर्विस विद द लिमिटेड ऑप्शन टू द एक्सपेंसिव। फ्री सर्विस, कुछ फ्री सर्विस भी है, लिमिटेड सर्विसेज भी है और कुछ महंगी भी है। स्पेशलाइज बिजनेस वेब होस्टिंग सर्विस, कुछ स्पेशल बिजनेस होस्टिंग है, विच ऑप्शन यू क्लोज डिपेंड ऑन द प्राइमरली, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरह की सर्विसेज यूज करते हैं, ऑन हाउ योर प्लान यूज योर वेबसाइट्स, और आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपनी वेबसाइट्स को कैसे यूज करते हैं, मच यू वॉन्ट टू स्पेंड, यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का यूज कैसे होता है। देखिए, द इंटरनेट हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ द ओल्ड लाइफ, इंटरनेट आजकल हमारी जो लाइफ का एक पार्ट बन गया है, जिसके बिना हमारा काम वर्क नहीं चलता है। इंटरनेट हमें चाहिए चाहिए होता है, बहुत सारे काम हमारे इंटरनेट से होते हैं और वो भी रोज चाहिए होता है, पर डे चाहिए होता है। दे आर द मिलियंस ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम अपना वर्क कंप्लीट करते हैं इंटरनेट पर। एंड वर्ल्ड वाइड वेब हेल्प यू एक्सप्लोर इट एंड डू मैनी एक्टिविटीज ऑनलाइन, जिसके थ्रू हम ऑनलाइन बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। लेट अस नाउ स्टडी सम ऑफ द बेसिक यूजेज ऑफ वेब, तो नीचे कुछ बेसिक यूज दिए हैं वेब के, वो पढ़ लेते हैं, तो उसके बारे में डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ाएंगे आपको कल। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको कंपोनेंट्स और वेब होस्टिंग समझ में आया होगा, कैसे इंटरनेट वर्क करता है वो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।